हाय गाइस, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं भागलपुर में हूँ, तो अभी मैं आया हूँ भागलपुर KTM शोरूम। यहाँ पे अपनी बाइक का थोड़ा बहुत चेकअप कराना है, क्योंकि मैंने आपको दो वीडियो पहले बता रखा है कि मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए अभी करीब हो गया है, मेरी बाइक के सर्विस के बाद हो गया करीब 2500 किलोमीटर चल गई है। मैंने सोचा क्यों ना एक बार ही नॉर्मल चेकअप करा लें। तो यहाँ पे देखो यार, चेकिंग वगैरह हो रही है, भैया है हमारे साथ। अभी थोड़ा सर्विस सेंटर का रिनोवेशन चल रहा है, तो भैया ने बोला यहीं आपको वेट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बोलूँ तो नॉर्मली बाहर ही चेक कर लेता हूँ। तो भैया यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहे हैं, पैडॉक स्टैंड वगैरह, चेन क्लीन वगैरह मैं करवा रहा हूँ, और ब्रेक चेंज होगा भैया, ब्रेक चेंज हो जाएगा पीछे का। तो ये काम करवाते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। के पहले होने वाली मैंडेटरी थिंग्स में से एक है ये, जो भी आपके चार्जिंग का सामान है, बाल मेरे खराब हो गए, जो भी आपके चार्जिंग का सामान है वो सब चार्ज करना है कंप्लीट। ये पेप्सोडेंट वगैरह नहीं है चार्जिंग का, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही है। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता था, जो राइड पे बताना चाह रहा था, पर उस टाइम नहीं मिला। देखो, सोलो राइड थी, और सोलो राइड में सबसे ज़्यादा जो मतलब एक चिंता होती है वो घर वालों को होती है कि हमारा लड़का जी कहाँ है, कैसा है, सही पे आया कि नहीं। तो उसके लिए मैं जो डिपेंडेंट हूँ, मेरे घर वाले डिपेंडेंट हैं, वो है 1 लैप पे। ये बहुत सही ट्रैकर है, ये पोर्टेबल है, जबकि मैं अपने सामान में कहीं भी इसको फिट कर सकता हूँ। आप चाहो तो अपनी बाइक वगैरह पे भी लगा सकते हो, तो मैं इसको यूज़ करता ही करता हूँ। ये इतना छोटा सा है मतलब, और इसकी बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है, और इसका ट्रैकिंग बहुत अच्छा है। दिस इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग्स यू शुड ऑलवेज हैव जहाँ अगर आप कोई ट्रिप पे जाए। और ये पोर्टोनिक्स का भाई, ये भी बहुत ज़्यादा ही लाइफ सेविंग एलिमेंट है। यहाँ पे चार्जिंग के साथ साथ डेटा कॉपी हो रही है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये पहले से ही मैं एडिट करके चल रहा हूँ। तो और कुछ कुछ प्रिपरेशन करनी है, वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो ये सारा काम करके मैं आपसे मिलता हूँ। चले लो भैया, हम निकल लिए घर परिवार का मोह माया छोड़ के। तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, तो सबसे पहले जाएंगे अररिया। अररिया में हमें ज्वाइन करेंगे दो और नए राइडर्स, दोनों हमारे मित्र हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, आप लोग उन्हें जानते हो। कौन ज्वाइन करेगा ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको, वहीं मिलके आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से पहले क्या करना है, ये जो मेरा गाँव है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा गाँव है। गाँव है हमारा, गाँव नहीं है भाई, शहर है गाँव या शहर जो भी कह लो, वो है बरारी, बरारी भागलपुर। यहाँ से अब अपने को चढ़ना है विक्रमशिला सेतु पुल, गंगा पार करके, फिर उसके बाद जाएंगे पूर्णिया होते हुए अररिया। बिहार का मैप बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, ये सारे ज़्यादा लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको बिहार दिखाता हूँ, हमारा बिहार। सुबह सुबह लेट हो चुका है एज़ यूज़ुअल, 7:14, हालांकि टाइम पहुंचने का 9:58 बता रहा है, तो आई एम नॉट श्योर मैं कोई स्टॉप लूँगा। मैं सीधा भाई सीधा 132 किलोमीटर है जो, वो सीधा 132 किलोमीटर ही, और मैंने यही टाइम दिया था अपने दोनों राइडर्स को। और दोनों यहाँ के नहीं हैं, बिहार के आप जानते हो, तो इसका मतलब वो लोग भी कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, आज के पूरे सीरीज़ में। अब जो स्टार्ट होने वाला है सिक्किम नॉर्थ ईस्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कह लो, मेरा खुद का जो बहुत ज़्यादा मन था वो वाला राइड कह लो, वो स्टार्ट हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। चलो भैया, 2 घंटे 46 मिनट की जर्नी करते हैं पूरी। बाय बाय भागलपुर, बाय बाय मम्मी, बाय बाय पापा, बाय बाय भैया। यार यहाँ पे तो गूज़बम्प आ रहा है गंगा मैया को फिर से प्रणाम। इस बारी
मतलब थोड़ा ऐसा इस बारी का जो राइड है थोड़ा इमोशनल सा है, क्योंकि हर बारी मैं अपने घर से निकलता था, इस बारी मम्मी को बाय बोल के जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इमोशनल है, पर कोई बात नहीं। यही है वो विक्रमशिला सेतु। पता है कि बिहार में हर साल लगभग हर साल बाढ़ आते ही आते, तो उसका एक जो मुख्य कारण है, जो मुख्य नदी है वो है ये है कोसी नदी, और इसी का विकराल रूप होता है जो बिहार बाढ़ में तब्दील होता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं कुरसैला। कुरसैला का यार पेड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो वहाँ रुक के पेड़ा ज़रूर लिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिला है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये है कोसी नदी, देख लो। अभी तो पानी का बहाव बहुत कम है, पर जब ये विकराल रूप पे आती है सबको ले जाती है। कुरसैला मार्केट में आपका स्वागत। अरे पेड़ा वाला कहाँ चला गया भैया? देखो ये साइड में रोक के पेड़ा बेच रहा है। अरे पेड़ा नहीं मिला तो हमको यू टर्न लेना पड़ेगा भाई, यू टर्न लेना ही पड़ेगा भाई, पेड़ा पीछे रह गया यार। पेड़ा मिल गया हमको पेड़ा। पेड़ा कैसे दिए भैया? 340 का। अब पीस कैसे देते हैं? 10 रुपये पीस देना, 5 पीस। जैसे अभी आप देख रहे हो ये है जो लेन है, ये है टू लेन नहीं है, मतलब आना जाना वाला, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन आगे वन वे कह लो, लेकिन आगे पूर्णिया से अपने को मिल जाता है 4 लेन, तो वहाँ से जो है दिल्ली गुवाहाटी जो एक्सप्रेस वे है वो चालू हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ से बढ़िया रोड मिलेगा और बढ़िया एकदम जल्दी जल्दी जाएंगे। आज हमारा जो प्लान है वो प्लान है हमारा कि हम आज गैंगटॉक रुके, और गैंगटॉक यहाँ से करीब नहीं तो 350 किलोमीटर से ऊपर था, मेरे घर से 377-380 था यहाँ से, आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैप पे अभी अररिया लगा हुआ है, और अररिया में जाके स्टॉप लेके देन वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टूवर्ड्स गैंगटॉक। और गैंगटॉक कहाँ की है राजधानी? सिक्किम की। सो हियर आई कम सिक्किम। तो यार मैं पहुंच गया हूँ अररिया, हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी है, अभी मैं हूँ होटल दिया रेस्टोरेंट के सामने, और जो दूसरा राइडर है, जो दूसरा बाइकर है, वो अभी यहाँ से आएगा। अरे क्या बात है। अरे तो ये है हमारा दूसरा राइडर, और इसने ब्लैक बंडाना भी ले लिया है। तो यार बाकी के दो राइडर्स में से एक को तो मैं आपसे मिला चुका हूँ, फिर भी आज विशेष आया है दिल्ली से बिहार हमारे लिए सोलो। सोलो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बेकार भाई यार, साथ चल रहा है यार, जा भी जाओगे। तो अब जो नेक्स्ट राइडर है वो हमारे साथ पहले भी राइड कर चुके हैं, आपने अगर हमारी स्पीति वाली वीडियोस देखी होगी तो इनका चेहरा बहुत बारी देखा होगा आपने। ये है विष्णु भाई, पटना से हैं, और इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी फोटोज ली थी हमारी, और इस बार डबल एडवेंचर ट्रिपल एडवेंचर करना है, तीन तीन एडवेंचर बाइक खड़ी है। ये देख लो यार, तीन तीन एडवेंचर। ये बीच में आपको दिख रही होगी सेक्सी बाइक, और इधर नॉर्मल बाइक। अच्छा ठीक है, ये 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 ठीक है सेक्सी बाइक, ये थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे कम। तो यार चलते हैं यहाँ से, अभी हमने कुछ नाश्ता वगैरह नहीं करा है, रुकेंगे कहीं खाएंगे, फिर यहाँ से आज का जो हमारा राइड प्लान है, जो डेस्टिनेशन है वो है गैंगटॉक। तो चले भाई, चल लो। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, बहादुरगंज है 44, ठाकुरगंज है 85, और किशनगंज है 71। कितने गंज है भाई, मतलब आज बिहार हम छोड़ के चले जाएंगे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल छोड़ के हम चले जाएंगे कहाँ? तो सिक्किम। तो यार मुझे उम्मीद थी कि शायद 4 लेन है, पर पता नहीं शायद आगे रहेगा या नहीं रहेगा। अभी तो करीब 100 किलोमीटर का जो ये रोड है, ये सिंगल वाला रोड है, तो हमारी स्पीड कम है, एंड फ्यूल मैंने भरवा लिया है। अभी यहाँ से कुछ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा, बाइक को तो खिला दिया, खुद खाना रह गया हमारा। स्वागत
तो भाई अभी हम हैं सागर फैमिली रेस्टोरेंट पे। कौन सा जगह है भैया? जो कि जहानपुर टूट खुला यहाँ, यहीं पे हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं डोसा। और यहाँ से जो अपना सिक्किम रह रहा है करीब करीब 220-230 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। देखो कैसे उंगली चाट चाट के खा रहा है, नंबर डोसा था भाई। चलो खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। इस लड़के का एक चीज खाने से मन भरता नहीं है। अभी खाया था, क्या खाया था? डोसा। अब खा रहा है बोगो। खा रहे हैं बोगो। अच्छा हाँ, मेरा भी है। बढ़िया खाना वाना खा के यार हम लोग निकल चुके हैं। और यार जिन लोगों को लगता है ना कि पहाड़ वाले रोड के बगल में ही नदी चलती है, नहीं, देखो हमारे बिहार में भी नदी चलती है साथ साथ। तो अभी हम बहादुरगंज पहुंचने वाले हैं जो कि है यहाँ से 20 किलोमीटर, और उसके बाद आएगा बिहार बॉर्डर, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे गैंगटॉक की तरफ। गैंगटॉक जाने के दो रास्ते हैं वैसे तो। अभी हम, मैं और विष्णु भाई बात कर रहे थे कि हम चाहते तो पूर्णिया वाले फोर लेन से भी जा सकते थे जिसपे 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता, पर चूंकि हमारा वैम ब्लॉक्स बोले तो विशेष रुका पड़ा था अररिया में, और हमारा प्लान कुछ ऐसा ही था कि हम अररिया होके जाएंगे, तो हम इधर से आए। पर कोई बात नहीं, ये देखो नाम लिया भाई, आ गया ये। और क्या बढ़िया झंडा वंडा लगा के रखा है इसमें भाई, माँ तुझे सलाम, बढ़िया लग रहा है एकदम। और यार सच बताऊँ इंडियन फ्लैग के साथ राइड करने का फीलिंग है अलग है। मैं भी खोजता हूँ एक डंडा और पीछे लगाता हूँ झंडा। अरे ये तो राइम हो गया। और यार कितना, मतलब यार कितना देखो शांत। अरे भैया शांत, अरे शांत शांत। ओ भाई इसने नीचे कैसे उतार लिया। हाँ चढ़ जाएगा चढ़ जाएगा, पावर है भाई ट्रैक्टर में। और देखो यार बिहार जो गांव है ना, भारत का जो गांव है वो यार बिहार में ही सबसे ज़्यादा, बिहार मतलब गांव है, मैंने तो यही समझा है, यही देखा है। और देखो ये पूरा गांव है, पूरा एकदम खेती बाड़ी इधर मस्त हो रही है, धान की कटाई चालू होगी अभी। मुझे अचानक एक गाड़ी दिखी, ऑल्टो, ये जो ऑल्टो K10 है, और इस पर नंबर मैंने देखा SK। मैं भी अचानक से कंफ्यूज हो गया, SK कहाँ का, फिर मुझे याद आया यही तो है सिक्किम की गाड़ी। तो देखो यार सिक्किम की गाड़ियाँ यहाँ ही से दिखने लगी, अब कुछ दिनों तक अपने को SK नंबर ही दिखेंगे। क्या हाल है? खराब हाल है तो यार यहाँ पे, अच्छा लॉकडाउन में खराब हाल है, कोई बात नहीं अच्छा हो जाएगा। तो यार यहाँ पे बढ़िया इंडियन फ्लैग लग गया, चलते हैं अब यहाँ से। चले उधर भी लग गया, उधर तो पहले से लगा हुआ था, अब लग रहा है ना राइडर, हम राइडर ले लिया। चलो ठीक है भाई निकलते हैं। तो यार ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था जो करवाना था, जैसे वैम्प ने अपनी बाइक पे ऐसे इंडियन फ्लैग लगा रखी है, हमने भी अपनी बाइक पे करवानी थी पर टाइम नहीं मिल रहा था, वहाँ पे प्रिपरेशन में थोड़ा यार बिजी हो गए थे। तो देख रहे हो भाई क्या मस्त एवेंजर भगाते हुए जा रहा बिना हेलमेट का। तो हमने भी अपनी बाइक पे लगा ली है, विशेष भाई के भी बाइक पे लग गई है, तो अब भाई बढ़िया लग रहा है, मतलब तीनों बाइक एकदम सेम जैसी लग रही है। और यार पैट्रियोटिक वाली फीलिंग भी आ रही है। अब यहाँ से करीब एक मतलब 44-45 किलोमीटर पे आता है एक जगह गलगलिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो है यार बिहार बॉर्डर जैसा मुझे पता चला, भाई ने बताया। तो वहाँ जाके एक स्टॉप लेंगे, फ़ोटो वोटो लेंगे और बढ़िया वहाँ से निकलेंगे। और यहाँ से भाई जहाँ अपन जा रहे हैं गैंगटॉक, वो है 194 किलोमीटर। और यार भाई 2:30 बज गए हैं अभी, 3 घंटे में सनसेट हो जाएगा, देखते हैं कहाँ तक क्या हो सकता है। चलो भाई हेलमेट पहन लो। तो यार
पे देख लो, ये है बिहार का अंत और वो है वेलकम टू वेस्ट बंगाल। यहाँ से सिलीगुड़ी 52, दार्जिलिंग 122, कोलकाता 614 और गैंगटॉक 159। देखो हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, नीतीश जी के सरकार से जा रहे हैं ममता दीदी के सरकार में। तो एक बारी सब लोग जय श्री राम, जय श्री राम। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुआ है कि साइन बोर्ड में जो भी चीजें हैं मैक्सिमम बंगाली में लिखी हुई है, तो मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा ही मुश्किल होगी कि कौन सा चीज मतलब कौन सी जगह आने वाला है। जैसे अभी पीछे कुछ था कि 30 किलोमीटर के बाद कुछ आएगा, अब क्या आएगा पता नहीं। तो कोई बात नहीं अपने। ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या था ये पावर में आ गया है लड़का। एक चीज है भाई, वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा ग्रीनरी है। देखो मतलब सड़क के दोनों किनारे बहुत ज्यादा ही पेड़ वेड़ लगे हैं। ओहो हो, जय माँ काली, जय माँ काली। यार वेस्ट बंगाल में काली माँ को बहुत ज्यादा ही लोग मानते हैं, और अभी हाल में ही काली पूजा भी हुई थी, तो काली माँ की मूर्ति बहुत विशाल मूर्ति थी अभी। और दुर्गा माँ को भी बहुत मानते हैं, अभी जो दुर्गा पूजा होता है यहाँ पे, दुर्गो पूजो कहते हैं शायद, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब पंडाल वंडाल बनता है। इस बारी तो कोरोना को लेके थोड़ा मतलब उस लेवल का नहीं हो पाया सेलिब्रेशन, पर हर बारी यार बहुत मतलब लोग दुनिया से देखने आते हैं वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एक चीज़ है यार, लोग आपसे अगर आप कुछ भी हाय हेलो करोगे, बात करोगे, तो सबसे पहले दिल प्रेफर बंगाली लैंग्वेज। ये अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते। और यार सामने पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब आई एम डैम श्योर कि गोप्रो नहीं दिखाएगा, बट मुझे दिख रहा है सामने पहाड़। तो यहाँ से जो है सिलीगुड़ी वो है 32 किलोमीटर। एकला चलो, एकला चलो, कैमो नाचो। यार हमसे कोई बात करेगा तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कैमो नाचो, नाचो कैमो नाचो, चलो नाचो। और यार आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं, तो बहुत ज़्यादा ही कमेंट करते हैं। देखो यार मैं आपको, मैंने इंस्टा स्टोरीज पे भी बताया था आपको, आपने अगर बाय द वे फॉलो नहीं करा मुझे इंस्टाग्राम पे, तो मेक श्योर आप फॉलो कर लें SJ Vlog SSS। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप मिले नहीं मुझसे, यहाँ आए तो यार पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मतलब मिलने को प्रेफरेंस दिया जाए तो यार थोड़ा मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना और राइड वगैरह सब कुछ लेट हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग, बहुत सारे लोग NH पे वेट करते हो, तो वो मत किया करो यार, क्योंकि भाई दिल से बुरा लगता है यार कि अगर आप ऐसे वेट करो और हम मिल ना पाए। तो एक बंदे का मैसेज आया था कि 10 बजे तक मैंने वेट करा रात में, पर मिल नहीं पाया, तो काफ़ी बुरा लगा मुझे। बंगाली में भी लिखा हुआ है। तो यार अभी हमने स्टॉप लिया कहाँ पे, सिवोक में, और यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ नाश्ता कर रहे हैं। ये यार मैं तो भाई बचपन से यही सुनता हूँ, ये मैगी है, पर ये कह रहा क्या है, बाय 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 बाय, ठीक है कुछ नई चीज़ है। मोमो खाया हमने, चाय पी, और अब यहाँ से निकलेंगे। पहले हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था कि क्या हमें, पीछे वाले अंकल इज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और कैमरा भी उनको ही फोकस कर रहा है, पैसे हमने दिए हैं। तो पहले हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमें दार्जिलिंग जाना है या फिर हमें गैंगटॉक जाना है। तो अब फाइनल ये डिसीजन हुआ है कि हम गैंगटॉक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग का रास्ता पीछे छोड़ा है, नो ऑप्शंस लेफ्ट। तो चलो, और ये यार रास्ता कब तक ऐसा मिलेगा? स्ट्रेट रास्ता 10 किलोमीटर, उसके बाद पहाड़ पूरा, पहाड़ 10 किलोमीटर के बाद आने वाले पहाड़, दुनिया जाए भाड़ में, हम चलेंगे पहाड़ में। तो चलो यार सीधा मिलते हो, बाइक पे आए ना, थोड़ी रात हो गई अभी, तो कुछ दिखाने को है नहीं, सिर्फ मैं दिखता हूँ और इसकी या तो हजार्ड या तो ये दिखता है, तो कुछ दिखाने को होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा गैंगटॉक में मिलेंगे। गैंगटॉक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करने की। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है पहाड़ों में, और ये देख लो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन है, सबसे आगे विशेष, उसके बाद है विष्णु भाई, और सबसे लास्ट में तुम्हारा भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो यहाँ से जो गैंगटॉक है 97 किलोमीटर, 3 घंटे की जर्नी,
और हमने सोचा भाई हम गैंगटोक जाके ही मानेंगे, ऐसे कैसे यार बीच में छोड़ दें। और दिक्कत ये है कि ये जो रास्ता है ये थोड़ा रश है इसमें, और पहाड़ों वाला भी है तो थोड़ा रश है, तो थोड़ा संभल संभल के चलाना पड़ेगा। यार पिछले 45 मिनट से हम यहीं हैं, और भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा यार, 100-200 ज़्यादा ले लो पर जाम छुड़वा दो यार, भाई 500 ज़्यादा ले लो। ये देख रहे हो इतना लंबा लाइन, तो क्या कर सकते हैं। और आज की ताज़ा खबर ये है कि अभी अभी जाम छूट गया है, अभी बज रहे हैं 7:25, फाइनली करीब 45-50 मिनट रुकने के बाद जाम खोला गया है। यार देखो अगर नॉर्मल बाइक होती तो ऐसे सांप बना के लेके चले जाते, लेकिन सैडल बैग थोड़ा मजबूर कर कि अगर आप ले जाओगे और अगर खरोच लग गई तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए समझ रहे हो। ये है यार रंगपू चेक पोस्ट, ये है बंगाल का लास्ट शहर, अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है सिक्किम। तो सिक्किम के लिए यार एंट्री वगैरह होती है, तो सिक्किम के लिए हमने परमिट वगैरह भी लिया था, तो वो शायद दिखाना भी होगा। हम लगभग पहुँच चुके हैं यार गैंगटोक यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर है, तो अभी फटाफट क्या करना है एज़ यूज़ुअल होटल लेना है, होटल में चेक इन करना है एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ। अभी तो बस रात है और कुछ दिखाने देखने को रहा तो दिखा दूंगा वरना सीधा होटल। तो भाई कल रात को हम लोग ऐसे ही आए और सो गए, आप लोगों को नहीं बताया क्यों क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। अभी यहाँ पे विशेष और विष्णु भाई जा रहे हैं मैगी मसाला लाने, और आज के इस वीडियो में यहीं तक बातें, कल करेंगे और बातें, कल आपको गैंगटोक दिखाएंगे, गैंगटोक के आसपास का इलाका दिखाएंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो कर लो, एजे ब्लॉग्स को यूट्यूब पे देख रहे हो तो AJ365 को सब्सक्राइब कर लो, बगल वाले घंटे को दबा दो, मिलते हैं नए वीडियो में। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही लेना नए राइट डेस्टिनेशन का। तक इतना ठंडा लग रहा है क्या? ठंड नहीं लगनी चाहिए ना, डबल प्रोटेक्शन मास्क, उसके ऊपर ये वाला मास्क।